का सम्मान। मोदी जी कह रहे लोग महामारी का डर नहीं सर, अगर महामारी होगी तो इसमें कोई वो नहीं है, इसमें पर रुकेंगे। अगर महामारी होगी तो जरूर रुकेंगे, और महामारी को आड़ में आकर मोदी सरकार ने मजाक बनाया तो कोई नहीं रुकेगा सर। हम डरने वाले नहीं है, महामारी अगर होगी तो डरेंगे, सब रुकेंगे, लेकिन महामारी के डर दिखाएंगे ना हमारे को, हम रुकने वाले नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में वो गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। संसद में तो बैठते पट्टा लगा करके और इंसान को क्या कहते हैं कि किसी की शादी में जाते हैं बिना मास्क के, ये क्या दोहरी राजनीति हो रही है। चलो खैर, ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा चलती रहेगी, और इनका कहना है कि जो कश्मीर तक। हाँ जी, क्या कह रहे हो? जब मोदी जी रैलियां करते हैं गुजरात में, उसमें चुनाव था बंगाल में, तो तब क्या कोरोना नहीं था? पूरा इतना बड़ा भारी भारी भीड़ इकट्ठी करी, सब कुछ किया और सब कुछ करके बाद में अपना इलेक्शन चुनाव लड़ लिए, जीत लिए, उसके बाद कोरोना भाग गया। चुनाव में जब चुनाव होते हैं तब कोरोना नहीं होता, चुनाव खत्म होते ही जब इनकी सरकार नहीं आती कहीं पे तो कोरोना आ जाता है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने जो लेटर लिखा है उसको क्यों नहीं मान रहे राहुल गांधी? तो हम कम मना कर रहे हैं, अब आज चल रहे हैं, अगर चिट्ठियां तो रोज इनसे कुछ भी लिखवा लो, ये कुछ भी लिख देंगे। आपने वो चिट्ठी पढ़ी है? उन्होंने दो एमपीस की बात सुन लो, ये एक प्रपोजल दिया है, उन्होंने आपको चेताया नहीं है, वो बस ये कह रहे हैं कि इनकी सुन लो, शायद राजस्थान के दो एमपीस की, कि इनकी सुन लो कि कोरोना आ सकता है। ये तो राहुल जी ने भी तब जब 2019 जब आ रहा था बीजेपी वाले राजस्थान में जो कर रहे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ कोरोना नहीं है, वहाँ कोरोना नहीं है, राहुल गांधी चल रहे हैं वहाँ कोरोना है। अरे डूब के मर जाए, देश के ऊपर चलाने वाले और देश के जो संचालक बन रहे हैं, शर्म नहीं आती उनको? अरे पुष्पा जी क्यों कह रहे हैं कि देश हित में अगर यात्रा को रोक दिया जाए तो क्या? तो हम मना थोड़ी कह रहे हैं, अगर जरूरी होगा तो रोकेंगे, अगर जरूरी होगा ना, अगर कोरोना होगा तो रोकेंगे। वो देश के नागरिकों के साथ है, वो जो चल रहे हैं ना पैदल कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जा रहे हैं, वो भारत को जोड़ने के लिए जा रहे हैं। भारत जो धर्म के नाम पे, महंगाई के नाम पे और बेरोजगारी के नाम पे जो देश टूट रहा है ना, उसको जोड़ रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं दिखावा कर रहे हैं, दिखावा। अरे मोदी जी में दम है ना, एक दिन पूरा दिन पैदल चल के दिखा दे, एक दिन हम राजनीति छोड़ देंगे, एक दिन पैदल चल के दिखा दे सुबह से शाम तक। झूठा है, झूठा है, झूठा है, झूठा प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जी को ऐसे बोल, झूठा है, हाँ झूठा है, मक्कार है, झूठा है, पद की गरमा नहीं है, क्यों झूठा है? जब उसमें अगर दम है ना, वो एक दिन सुबह से शाम तक पैदल राहुल गांधी की तरह चल के दिखा दे। पद की गरिमा की बात कर रहे हैं, मनमोहन सिंह जी के पद की कोई गरिमा नहीं थी, नेहरू जी गरिमा के अधिकारी नहीं है, इंदिरा गांधी अधिकारी नहीं है, मतलब जो शहीद है इस देश के लिए, गांधी जी भी अधिकारी नहीं है। अगर मोदी जी नहीं हो तो ऐसा लगता है कि देश, आपने नेहरू जी की बात की हो तो कहते हैं ये जो सब हो रहा है इसके लिए नेहरू जी जिम्मेदार है। वो तो पैदा देश को बनाया था, वो नेहरू जी ने जो देश को बनाया था, एक एक चीज को उनको बेचते जा रहे हैं। वो क्या है, वो क्या है? महंगाई भी नेहरू जी की वजह से हो रही है। अच्छा, आज महंगाई हो रही है तो नेहरू जी, नेहरू जी को गए हुए कितने दिन हो गए, और नेहरू जी ने जो जितने भी संस्थाएं, जितने भी सारी चीजें बनाई थी, उनको एक एक करके बेचते जा रहे हैं, वो क्या है? जो भी है, भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलती रहेगी, और इस यात्रा में जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो जाए कश्मीर जाएगी उसको देखा जाएगा। सर क्या कहना? तो तमाम लोग हैं, संदीप दीक्षित जी आ चुके हैं हमारे बीच में, जो देख रहे हो किस तरह से आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं। संदीप दीक्षित जी जो सुपुत्र हैं श्रीमती शीला दीक्षित जी के, तो आइए आइए, चलते आओ आगे। तो ये देखा आपने कि दिल्ली कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा लगातार अपने बढ़ती हुई और पहुंच गया दिल्ली में,
और यहाँ लोग देख रहे हैं अपना इंतजार कर रहे हैं बारी बारी से, हर तरफ जिधर देखो उधर लोगों का अपना राहुल जी की एक झलक देखने के लिए, स्वागत के लिए आतुर खड़े हैं लोग। ओ वहाँ है,